अब से करीब ढाई घंटे बाद यानी कि सुबह 10:30 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा। 4 साल में मोदी कैबिनेट का यह तीसरा विस्तार होने वाला है। आज मंत्रिमंडल में 9 नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। यूपी बिहार के 2-2 और केरल कर्नाटक मध्य प्रदेश और राजस्थान से 1-1 मंत्री बनाए जाएंगे। बिहार से सांसद अश्विनी चौबे और आरके सिंह, यूपी से सत्यपाल सिंह और शिव प्रताप शुक्ला, कर्नाटक से अनंत कुमार हेगड़े, एमपी से वीरेंद्र कुमार, राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री बनाए जाएंगे। साथ ही पूर्व आईएफएस अधिकारी हरदीप सिंह और केरल से बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य अल्फोंस के भी मंत्री बनाए जाएंगे। इस बार कैबिनेट विस्तार में जेडीयू सहित एनडीए के किसी सहयोगी को मौका नहीं दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक नए मंत्रियों को सरकार में शामिल किए जाने के साथ ही कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के लिए चीन और म्यांमार के दौरे पर भी जा रहे हैं और 5 सितंबर को वो लौटेंगे। महामंथन के बाद मोदी की टीम 2019 चुनाव से 20 महीने पहले टीम मोदी। मोदी सरकार के लिए ये सुपर संडे है। मोदी कैबिनेट में शामिल होने वाले 9 चेहरों का नाम तय हो चुका है और आज सुबह 10:30 बजे का राजनीतिक मुहूर्त भी निकाला जा चुका है। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कैबिनेट विस्तार की जो रूपरेखा तैयार की है उसमें जेडीयू समेत एनडीए के किसी सहयोगी को मौका नहीं मिला है। नए चेहरों में अनुभवी नेताओं को जगह मिली है तो कुछ युवा चेहरों को भी मौका दिया गया है। मंत्रिमंडल में शामिल किए गए चेहरों में अश्विनी चौबे बिहार के बक्सर से सांसद हैं। बिहार विधानसभा में लगातार 5 बार विधायक रहे। मानता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा भरोसा किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो भरोसा किया है उस भरोसा को पूरा करूंगा। छोटी बड़ी जो भी जिम्मेवारी रहेगा उसका निर्वहन करूंगा ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक। मोदी कैबिनेट में शामिल होने वालों में दूसरा बड़ा नाम सत्यपाल सिंह का है। सत्यपाल सिंह यूपी के बागपत से बीजेपी सांसद हैं। राजनीति में आने से पहले सत्यपाल सिंह आईपीएस अधिकारी थे, मुंबई, पुणे और नागपुर के पुलिस कमिश्नर रहे हैं। अरे जो जिम्मेदारी मुझे जो दी है इस राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए, इस राष्ट्र को हम कैसे परम वैभव तक लेके जाए, मैं तो एक संकल्प के साथ और इस भावना के साथ में एक राष्ट्र यज्ञ मैं करने में मैं टीम मोदी का एक सदस्य बनने जा रहा हूं, उसमें पूरी ताकत के साथ मैं अपनी आहुति दूंगा। कैबिनेट विस्तार में यूपी से ही शिव प्रताप शुक्ला को जगह दी जा रही है। राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। शिव प्रताप जी, आपके समर्थकों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है, माला फूल के साथ आपका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? प्राथमिकता तो प्रधानमंत्री जी भारत को एक नए भारत के रूप में बनाना चाहते हैं, उनकी प्राथमिकता, उसी प्राथमिकता में मिलकर के हम लोग काम करेंगे। राजस्थान के जोधपुर से लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत भी कैबिनेट में शामिल होंगे। शेखावत वित्त मामलों की संसदीय समिति के सदस्य हैं। देश की सेवा का एक और अवसर और बड़ा अवसर इस विश्वास के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय अमित शाह जी ने दिया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका बहुत सारा आभार व्यक्त करता हूँ। और देश की सेवा का ये जो अवसर मिला है, इस अवसर को पूरे प्राणपण के साथ में जो है जिम्मेदारी को निभाने के लिए प्रयास करें। अगले लोकसभा चुनाव में केरल में मजबूत पकड़ बनाने के लिए भी बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी कैबिनेट में आज केरल को भी नुमाइंदगी मिलने जा रही है। अल्फोंस कन्नन्थानम केरल में बीजेपी का चेहरा माने जाते हैं। दिल्ली में डीडीए के चेयरमैन रह चुके हैं। 1994 में टाइम मैगजीन ने विश्व के 100 युवा ग्लोबल लीडर्स की सूची में भी अल्फोंस को शामिल किया था। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले फायर ब्रांड नेता अनंत कुमार हेगड़े भी कैबिनेट में शामिल हो रही हैं। हेगड़े स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के सदस्य हैं और 5 बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। बिहार के आरा से सांसद आरके सिंह को भी नई कैबिनेट में जगह दी जा रही है।
आर के सिंह केंद्र सरकार में गृह सचिव रहे। पुलिस और जेल सुधार के लिए उन्होंने काफी काम किया है। सांसद वीरेंद्र कुमार का नाम भी मोदी कैबिनेट में जगह बनाने जा रहे नौ चेहरों में शामिल है। वीरेंद्र कुमार 6 बार लोकसभा सांसद रहे हैं, जेपी आंदोलन में हिस्सा लिया और आपातकाल के दौरान जेल भी गए। दिल्ली से हरदीप पुरी का नाम चौंकाने वाला है। 1979 बैच के विदेश सेवा के अधिकारी रहे हरदीप पुरी इस वक्त किसी सदन के सदस्य नहीं है। हरदीप संयुक्त राष्ट्र की काउंटर टेररिज्म कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। नामों की लिस्ट से साफ है कि इसे तैयार करने में सभी राजनीतिक दांवपेचों का ख्याल रखा गया है। जाति, वर्ग और राज्य का भी ध्यान रखने की कोशिश की गई है। पीएम मोदी ने अपने कैबिनेट में पिछला फेरबदल जुलाई 2016 में किया था। जुलाई 2016 से अब तक राजनीतिक हालात काफी बदले हैं। यूपी में बीजेपी को सत्ता का सिंहासन मिला तो बिहार में नीतीश कुमार साथ आ गए। 2014 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार आधी पारी खेल चुकी है। आज चुनी जा रही टीम मोदी की नई टीम दूसरे हाफ में सरकार की कमान संभालेगी। 2019 में काम के मोर्चे पर लोगों के बीच बेहतर छवि बनाने की जिम्मेदारी इसी टीम की है। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।